हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अंशकालीन कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर में उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल के अंशकालीन कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले करीब 10 वर्षों से कम वेतन देकर बैंक प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है। उन्हें बैंक की हर शाखाओं में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रतिदिन की तरह कार्य करना पड़ता है। बैंक प्रबंधन चतुर श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर इस वर्ग के कर्मचारियों को समायोज नहीं कर पाया है। आज बैंक प्रबंधन के इस प्रकार के व्यवहार से कई अंशकालिक कर्मचारी इस भरोसे से सेवानिवृत्त हो चुके हैं कि उन्हें कभी नियमित किया जाएगा। वहीं मात्र 2500 रुपए वेतन में उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। कई बार ऐसी स्थिति में कुछ अंशकालिक कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। प्रतिनिधि मंडल में जगदीश चंद, सुरेश कुमार, रोहित, अरुण कुमार, जतिन, सुनील कुमार सहित अन्य अंशकालिक कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन को चेतावनी दी है कि वे इस वर्ग के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर उनकी मांगों को पूरा करें, अन्यथा बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली के खिलाफ सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मेरे सारे भी ब्रांचों के दोस्त भी आए हुए हैं, तो हम इतने मतलब लगभग 20-25 साल से काम कर रहे हैं। मेरे को 8 साल हो गए, किसी को 10 हो गए, किसी को 12 हो गए, तो हम लगातार 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे जाते हैं। तो हमें जो वेजेज मिल जाए वो मिलती नहीं, तो हमें मात्र 25 या 3000 रुपये दिया जाता है पूरे इस कंपनी में। तो सर हम चाहते हैं कि जो मिनिमम वेजेज है, जैसे हमारा मनवार से एक सर्कुलर आया हुआ है 2015 से, हमें मिनिमम वेज देने का उन्होंने वो दिया था, आश्वासन दिया था। तो हमारे जो बैंक के चेयरमैन है वो हमें अभी तक सिर्फ 2500 रुपये देते हैं और मना करते हैं हम आपको। और कई बार हमें तो ऐसा बोल दिया जाता है, धमकाया जाता है कि आपको अगर आपका ही कुछ बोलते हैं तो आपकी कंप्लेंट करेंगे या आपको बैंक से बाहर निकाल देंगे। तो सर हम इंसाफ चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं एक अपना मेमोरेंडम देने के लिए आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारे DC जी भी इसके ऊपर गौर करें